Hi everyone and welcome back to my channel. So today I'm gonna make very popular and yummy Indo-Chinese snack, that is spring rolls. And ye delicious spring rolls bahut crunchy hote hain from outside with the filling of veg noodles. So without further ado, let us get started with the recipe. So sabse pehle hum spring roll ki filling ready kar lete hain. So maine pan mein yahan pe liya hai 2 teaspoon of oil. Ab isme hum add karenge garlic and ginger. मैंने यहाँ पे बहुत ग्रेट करके इसको यूज़ किया है, आप चाहो तो चॉप भी कर सकते हो. एंड नाउ इसे सॉटे कर लेते हैं फॉर फ्यू सेकेंड्स. अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ अनियन. मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज अनियन लिया है और उसको अच्छे से स्लाइस कर लिया. हमें इसे कुक ओवर कुक नहीं करना, नॉर्मली बस ट्रांसलूसेंट कलर करना है अनियन का. नाउ एज यू कैन सी जो कलर है वो ट्रांसल्यूसेंट हो गया है. नाउ आई एम गोना ऐड इन कैप्सिकम, थोड़ी सी कैरेट, एंड नाउ कैबेज. और थोड़ा सा कलर ऐड करने के लिए और कलरफुल बनाने के लिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ रेड कैबेज. अब इसे कर लेते हैं हम सॉटे. अगेन जैसे हमने अनियन को बस थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट होने तक कुक किया था, हमें वेजिटेबल्स को भी सॉटे करना है और थोड़ा सा सॉफ्ट होने तक के लिए इसे कुक करना है. इसे थोड़ा सा सॉफ्ट होने देते हैं वेजिटेबल्स को. अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून मोमोज चटनी. आप इसकी जगह रेड चिली सॉस भी ऐड कर सकते हो. अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/2 टीस्पून सोया सॉस एंड 1 टीस्पून विनेगर. इसे कर लेते हैं मिक्स. और कुक होने देते हैं फॉर फ्यू सेकेंड्स. That's it. As you can see, जो वेजिटेबल्स हैं वो काफ़ी सॉफ्ट हो चुकी हैं. अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं नूडल्स. मैंने यहाँ पे बॉइल्ड नूडल्स ऐड किए हैं. अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं. इसको मिक्स करने में थोड़ा सा आपको हार्ड वर्क लगेगा, बट डोंट यू वरी, ये ईजिली हो जाएगा. वंस डन मिक्सिंग द नूडल्स विद द वेजिटेबल्स, वील गोना ऐड इन सॉल्ट टू इट. मैं यहाँ पे 1 टीस्पून ऑफ सॉल्ट ऐड कर रही हूँ बिकॉज मैंने नूडल्स को बॉईल करते टाइम भी उसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड किया था और जो हम सॉस यूज़ कर रहे हैं उनमें भी सॉल्ट होता है. सो 1 टीस्पून विल बी इनफ. आज के एपिसोड में आई एम गोना शेयर फुल फ्लेज रेसिपी ऑफ स्प्रिंग रोल्स. वैसे तो स्प्रिंग रोल्स की शीट मार्केट में ईजीली अवेलेबल हो जाती है. हाउएवर नथिंग कैन बीट द इम्पैक्ट ऑफ क्रिएटिंग दिस ऑल टाइम फेवरेट स्प्रिंग रोल्स इन योर ओन किचन, एंड दैट टू जिसे आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हो एंड एंजॉय कर सकते हो राइट ऑफ द फ्राइंग पैन. अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून मोमोज चटनी. अगेन थोड़ी सी ऐड कर रही हूँ बिकॉज मैं इसका फ्लेवर थोड़ा सा और स्पाइसी बनाना चाहती हूँ. अगर आपने अभी तक मेरी मोमोज चटनी की रेसिपी चेकआउट नहीं की है, देन डू चेक इट आउट गाइज, वो मेरे चैनल पे अवेलेबल है. एल्स डोंट यू वरी, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. इवन मैं वीडियो के एंड में भी उसको शेयर कर दूंगी सो दैट यू पीपल कैन वॉच इट ईजिली. सो नाउ एज यू कैन सी, जो हमारी नूडल्स हैं या जो फिलिंग है वो कलरफुल नूडल्स बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं. अब हम इसे साइड में रखेंगे थोड़ा सा ठंडा होने के लिए और अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप की तरफ और रेडी कर लेते हैं बैटर. सो बैटर के लिए मैंने यहाँ पर 1 कप मैदा लिया है. अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 3/4 कप कॉर्न स्टार्च और थोड़ा सा हम इसमें सॉल्ट ऐड कर लेंगे एज पर टेस्ट. अब इस ड्राई इन्ग्रीडियंट्स को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे. वंस डन, अब हम इसमें धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके वाटर डालेंगे. मैंने यहाँ पे अप्रॉक्स 1 कप ऑफ वाटर लिया है. हमें थोड़ा थोड़ा करके डालना है और इसे अच्छे से मिक्स करते जाना है सो दैट इसमें लम्ब्स फॉर्म ना हो. थोड़ा सा और पानी डाल लेते हैं और इसे अच्छे से और मिक्स कर लेते हैं.
हमें बेसिकली इसका वो कंसिस्टेंसी चाहिए जो हम नॉर्मली डोसा बनाने के टाइम पर यूज़ करते हैं ना, थोड़ी फ्लोई सी कंसिस्टेंसी, लाइक दिस, दैट्स इट, दिस इज़ व्हाट वी वांट। तवा या फिर कोई पैन लेना है जिसे हमें मीडियम टू हाई फ्लेम पे गरम कर लेना है, और जैसे हम डोसा स्प्रेड करते हैं ना, सेम इन दैट वे हम इसे स्प्रेड कर देंगे राउंड शेप में। रफली राउंड शेप चाहिए, इट्स नॉट लाइक हमें एक्यूरेट राउंड शेप चाहिए, बस मेक श्योर वन थिंग कि ये बहुत पतला होना चाहिए सो दैट ये शीट बन के रेडी हो जाए। और ये बहुत जल्दी सूख जाएगा, आप जैसे नोटिस कर सकते हो ये ऊपर से बिल्कुल वेट था और ये बिल्कुल ड्राई हो चुका है, तो ये बहुत आराम से पक जाता है। हमें बस सेकना है दोनों साइड से इसको अच्छे से, रोटी की तरह फुलाना नहीं है या रोटी की तरह नहीं बनाना, बस एक तरह से जब ये इस साइड से सूख जाए इसे उठाकर इस तरह से हम दूसरी साइड से भी सेक लेंगे। और अब इसे रख लेते हैं साइड में, मैं आपको एक और बनाकर दिखा देती हूँ। इस तरह से हमें डोसा का बैटर लेना है और इस तरह से इसे शीट में पतली सी शीट की तरह स्प्रेड कर देना। मेक श्योर वन मोर थिंग, जब हम शीट्स को रेडी करके एक प्लेट पे रखेंगे ना, सो दो शीट्स के बीच में आपको मैदा स्प्रेड करना है, डस्ट करना है, सो दैट जो शीट्स हैं वो आपस में चिपक ना जाए। और इसी तरह बस आपको जितना भी आपका बैटर पड़ा है उतनी आप शीट्स रेडी कर कर एक साइड पर रख लीजिए। so, मेरी ये लास्ट शीट थी जो मैं प्रिपेयर कर रही थी एंड दैट्स इट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। मैंने यहाँ पर एक बॉल लिया है, बॉल में 2 teaspoon मैंने लिया है टेबल स्पून मैदा। अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे धीरे धीरे और हमें इसकी बेसिकली एक स्लरी बनाकर तैयार करनी है। बस आप इसे इस तरह से मिक्स 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 करते चलो, मेक श्योर बस इसमें लम्स ना हो, दैट्स इट। थोड़ा सा और मिक्स कर लेते हैं। नाउ लुक, ये कंसिस्टेंसी हमें चाहिए, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एक शीट में दूंगी मैं, यहाँ इस तरह से मैंने शीट्स रखी थी और एज यू कैन सी मैंने यहाँ पर डस्ट कर रखा है मैदा सो दैट शीट्स आपस में ना चिपके। बस एक शीट ले लेते हैं, अब इसमें थोड़ी सी नूडल्स रख लेते हैं। नूडल्स रखने के बाद अब हमें क्या करना है, इसके चारों तरफ जो हमने स्लरी बनाई थी ना वो लगानी है। आप चाहो तो आप स्पून से भी लगा सकते हो, एल्स आप अपनी फिंगर की हेल्प से भी लगा सकते हो, जैसा भी आपको कंफर्टेबल लगे। अब हमें इस तरह से ये शीट को पकड़ना है और आगे की तरफ फोल्ड कर देना है। और जो ये साइड्स की साइड्स है ना शीट की, ये जो साइड्स हैं इन्हें हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे इस तरह से, और इसे बस आगे की तरफ फोल्ड करते जाएंगे। There we go. हमारी एक स्प्रिंग रोल बिल्कुल रेडी है। मैं आपको एक और बनाकर दिखा देती हूँ। जितनी बड़ी हम शीट लेंगे ना उतना बड़ा हमारा स्प्रिंग रोल बनेगा। अब इसमें थोड़ी सी नूडल्स ऐड कर लेते हैं। शीट बड़ी है तो मैं थोड़ी सी नूडल्स और ऐड कर रही हूँ इसमें। साइड्स पे अब हम लगा लेंगे स्लरी। सेम वही प्रोसीजर फॉलो करना है और आई वुड सजेस्ट यू कि आप एक बार इस तरह से बनाकर रख लो, उसके बाद ही आप इसे फ्राई करना सो दैट वो इतने टाइम में सेट हो जाएंगे आराम से। बस हम लोग इस तरह से अब यहाँ पर स्लरी लगाते जाएंगे। इस तरह से उठाकर इसे आगे की तरफ फोल्ड करना है, जो साइड्स हैं हमारी उन्हें अंदर की तरफ फोल्ड करना है। अब इसे आगे की तरफ फोल्ड करते जाएंगे और इसको अच्छे से रैप कर लेंगे। एंड एज यू कैन सी हमारा जो सेकंड रोल है वो भी बन के रेडी है। इसी तरह हम बाकी रोल्स भी रेडी कर लेंगे। अब हम इसे शैलो फ्राई कर लेते हैं
आप चाहो तो आप इसे डीप फ्राई भी कर सकते हो। इनकी साइड्स बीच बीच में आप चेंज करते रहिएगा और जब तक ये लाइट ब्राउन कलर में ना आ जाए या फिर गोल्डन ब्राउन कलर ना आ जाए इसका, तब तक हमें इसे बेसिकली फ्राई करना है। वंस डन तो हमें इसे प्लेट में निकाल लेंगे। हार्डली आपको 1 to 1.5 minutes लगेगा इसे फ्राई करने में। फ्लेम आप मीडियम टू हाई रखिएगा। बीच बीच में से ऐसे चेंज करते रहना। लुक एट दिस, ये थोड़ा सा ब्राउन होना स्टार्ट हो गया है, बस बाकी की जो साइड्स हैं उन्हें भी ब्राउन कर लेते हैं। इस तरह से आप साइड्स भी अच्छे से फ्राई कर सकते हो। बस हम इसे निकाल लेंगे टिश्यू पेपर पे और ऐसे ही हम बाकी के जो हमारे स्प्रिंग रोल्स हमने बना कर रखे हैं उन्हें भी फ्राई कर लेंगे। That's it, हमारे स्प्रिंग रोल्स रेडी हैं। मैं आपको एक कट करके दिखा देती हूँ। Now look at this, बहुत कलरफुल है, बहुत टेस्टी है, हाइजीनिक है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए घर पे एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि आपको ये कैसा लगा। एंड अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है देन डू गिव इट अ थम्स अप। एंड अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अब मैं आपसे मिलूंगी एक नए एपिसोड में नई वीडियो और नई रेसिपी के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।